वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई आप सब ठीक होंगे। तो आई नो, मैं जानता हूँ ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि तो मेरा एक टेस्ट है, मैं उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। तो एनीवे उसे छोड़ो, अभी ऐसी एक दो महीने ऐसी चलेगा, उसके बाद कंटिन्यूसली ब्लॉग आएंगे। तो एनीवेज आज हम जाएंगे एक ऐसी जगह, एक ऐसे बाबा के पास जो सबके दिलों पर राज करते हैं। तो अभी मैं तो रेडी हो चुका हूँ, शूज़ पहनने बाकी है, उसके बाद मैं चलूँगा। मेरे साथ दिव्या भी आएगी, तो बाइक निकालेंगे उसके बाद चलेंगे। तो गाइस बाइक अपनी रेडी है, शूज़ भी पहन लिए हैं, तो चलते हैं। ये दिव्या भी रेडी है, तो चलते हैं लेके इसे। तो गाइस निकल तो चुके हैं, यहाँ से अराउंड 2-3 किलोमीटर दूर है और लिटरली गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। आज सुबह मौसम अच्छा था, फिर भी अब दोबारा धूप आ चुकी है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my... So guys, ये है मैन गेट खेरेश्वर मंदिर का, श्री खेरेश्वर धाम हरिदासपुर। तो इसकी डिटेल लेंगे, तो चलते हैं अंदर, पहले पार्किंग करते हैं। Everything is like a test, I better not test, or I'll come up desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get... यहाँ पार्क कर दिए, तो चलते हैं। तो गाइस ये रहा एंट्री गेट, तो चलते हैं अंदर, बहुत मज़े आने वाले हैं। कुछ डिटेल भी देंगे आपको आप इसकी। आज है मंडे, तो शिव जी की पूजा होती है, तो बहुत सारे यहाँ देखो श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ, लिटरली मेला भी लगा हुआ, इतने सारे मेले वगैरह। तो कहीं चलते हैं पहले शांत सी जगह में। चुके हैं, क्योंकि देखा आपने आज मंडे है, तो कितनी लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो करेंगे एक्सप्लोर, तो थोड़ी बहुत डिटेल मैं अभी देता हूँ। तो गाइस ये एक खेरेश्वर मंदिर है, इसकी स्थापना कैसे हुई मैं बताता हूँ। एक हरिदास जी थे, पुजारी थे, उनको यहाँ पर शिवलिंग मिला था 5000 साल पहले। तो 5000 साल पुरानी यहाँ शिवलिंग स्थापित है, वो दिखाऊँगा। यहाँ बहुत सारे रहस्य हैं इसके, 5000 साल पुराना ये मंदिर है, बहुत बड़ी जगह बना हुआ लिटरली। हर मंगल का तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वो दिखाऊंगा मैं आपको, तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। गाइस यहाँ मेला लगा पड़ा है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है दिल्ली, यहाँ का बंदा मिले सब बैठे हैं जरूर सब। और एक नई और मूर्ति बनी है, उसे और दिखाऊंगा मैं आपको। तो आगे चलते हैं, देखो ये रही गाइस, जैसे आगे से दिखाऊँ पीछे कितनी बड़ी लग रही है। तो ये तो गाइस देखो ये लग रहा मेला लिटरली। तो ये रही शिव जी की मूर्ति, देखो आज कितनी बड़ी है, ये फिलहाल ही बनी है, इसका निर्माण अभी हुआ है। तो इसे आगे से दिखाता हूँ फ्रंट से, रात में तो गाइस और ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ये हमारे बोले जी हर हर महादेव। तो गाइस कितनी बड़ी है लिटरली, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये बनी है, दिखाता हूँ आपको। 2/5/2022 में इसकी स्थापना की गई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। चलते हैं अंदर। तो ये रहा दूसरा गेट, श्री खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति। पहले यही गेट हुआ करता था, उसके बाद वो आगे एक्सप्लोर हो गया। तो चलते हैं, ये बहुत सारे मंदिर हैं, दिखाता हूँ वो वाली शिवलिंग जो 5-4 साल पहले मिली थी। तो वो रहा सामने, पहले देखो यहाँ होता है भंडारा, यहाँ श्रद्धालु भंडारा कराते हैं, और वो रही जगह जहाँ शिवलिंग मिला था। तो चलते हैं उधर की साइड। तो गाइस पहले जूते उतार दे रहे हैं, मंदिर में जाने से पहले जूते उतार दे रहे हैं। तो गाइस ये पता है कौन सा मंदिर है, ये कृष्ण जी के बड़े भैया बलदाऊ, जिन्होंने यहाँ एक राक्षस का वध किया था, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। तो चलते हैं वो जहाँ शिवलिंग है 5000 सालों से स्थापित, सबसे पहले वो ही यहाँ पर मिली थी हरिदास जी को। तो वो दिखाता हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गाइस ये रही आरती हो रही है, उसे हर हर महादेव, घंटा तो बजानी, ये रहा इन्हें बजाते। तो गाइस अंदर हम आ चुके हैं, हो रही कथा, कथा करते पहले
जय महाकाल। तो गाइस यही हुए शिवलिंग जो 5-4 साल पहले हरिदास जी को मिली थी सफाई करते हुए यहाँ पर। तो गाइस कितने सारे लोग यहाँ दूध चढ़ा रहे हैं, हम वगैरह सब चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। यही वो शिवलिंग है गाइस जो 5000 साल पहले हरिदास जी को मिली थी। देखो वो जय भोले बाबा अजर नंदी महाराज। तो चलते हैं दूसरी जगह दूसरी गाइस हनुमान जी भोले जी सारे देवी देवताओं ये रही माँ शेर वाली माँ सभी यहाँ भगवान की मूर्तियाँ मंदिर बने हुए हैं। ये है जहाँ भंडारा कराते हैं सरकार में भंडारा होता है। देखो सभी यहाँ कैसे चाव से भंडारा खा रहे हैं और सबको करा रहे हैं। तो भाई पैर जल रहे हैं तो चलते हैं। और गाइस ये सीढ़ियाँ देखो ऊपर तक जा रही है, लिटरली बनावट इनकी कैसी है, कहीं कहीं टूटी हुई है ऊपर जाने के लिए मंदिर के। और इस पेड़ की बनावट तो माशाल्लाह, जूम करके दिखाता हूँ देखो कैसे बना हुआ है, इसकी आकृति अलग है क्योंकि ये 5000 साल पुराना है। भाई यहाँ बैठी हुई है, हम भी बैठते हैं। गाइस मैंने तो दर्शन कर लिए लिटरली, यहाँ आके पॉजिटिव वाइब इतनी आ रही है पूछना, मतलब मंदिर में आके क्या ही कह रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब, दिल खुश हो जाता है। और महादेव के यहाँ के तो क्या ही कहने, इनके तो हर कौन भक्त नहीं है, सभी यहाँ सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर बैठ के, अभी यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है, थोड़ी देर बैठते हैं। A few moments later. भाई बैठे बैठे हमको लिटरली 1 घंटा हो गया और यहाँ भंडारे की तैयारी चल रही है और हम चलते हैं हम घर पर। आराम बहुत हो गया और बहुत लोग यहाँ से जा भी चुके हैं तो चलते हैं। मेरा गाइस देखो गणेश जी का मंदिर शिव जी के बेटे। तो चलते हैं इधर से, इधर लग रहा है मेला फुल लग रहा है, बहुत शिव जी की मूर्तियाँ और सामान सब मिलता है इधर, रुद्राक्ष वगैरह है ना। कभी भी घूमने बहुत प्यारी जगह है, लिटरली पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इधर। गाइस गाड़ी अपनी एरी लेके चलते हैं, सीट गर्म हो गई थी इसलिए पानी डाल दिया थोड़ा, अभी भी गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चलते हैं हर हर महादेव, निकालते हैं गाड़ी चलते हैं। घर पहुंच चुके हैं, अभी हम आए थे ना रास्ते में तो मेरा फ़ोन ओवरहीटेड हो गया जिसकी वजह से वीडियो ऑन नहीं हुई, तो करेंगे थोड़ी देर आराम होगी। ठीक है अभी बच चुके हैं 4 और मैं थोड़ी देर आराम किया था, थोड़ी देर खाता देखो गौरी को खाने दिया है भाई, सारा खाना फैला दिया इसने अपना और इसकी तबीयत भी ख़राब है। तो आज हम इसकी दवाई भी लेके आए थे, इसको है गैस 104 बुखार। तो ये रही इसकी दवाई, गोली भी है भाई, गोलियाँ बहुत बड़ी बड़ी खाना फैला के नीचे से खा रही है। ये रहा हमारा टाइगर, ये परेशान नहीं रहता गर्मी में टाइगर। तो ये गाइस ये ब्लॉग इतना ही, लिटरली बड़ा हो चुका है थोड़ा सा। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा हिरेश्वर मंदिर ट्रैवल। अगर आप कभी भी अलीगढ़ आओ
उधर हो गए हरिदासपुर हो गए जाओ तो फिर से मंदिर जाए रुक जाना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।